अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम टू माय चैनल कोको द्रुमा खान। आज मैं आप लोगों के लिए कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसे तो नॉर्मल से पॉपकॉर्न सभी बना लेते हैं घर पे, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट वाला कैरेमल पॉपकॉर्न बना रही हूँ, जो कि खाने में एकदम डिफरेंट लगता है और बहुत ही मज़े का भी लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कोको द्रुमा खान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब बटर डाल दें। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। अब ये जो हम मार्केट से पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई लाते हैं, ये इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप भर के। अब इसे थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे, इस तरीके से सॉटे करेंगे थोड़ी देर। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम सिंपल सी रेसिपी लेकर आए, पॉपकॉर्न किसे बनाना नहीं आता है, पॉपकॉर्न तो सभी बना लेते हैं, लेकिन हम इसे कैरेमल पॉपकॉर्न बनाएंगे। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना एकदम डिफरेंट लगेगा। आप लोग भी अगर बनाकर खा कर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। अब इसे हम ढक देंगे, लेकिन मैंने इसे पैन से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इसमें ये हमारा ढक्कन जो है ना, लीड इसकी फिट नहीं हो रही थी। इस तरीके से मैंने कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र करके ढक दिया। अब आप देख सकते हैं ये पॉपकॉर्न हमारे बनना चालू हो गए हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। लेकिन आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में ऐसा होता है कि आप सीटी निकाल दें उसकी और रबड़ भी निकाल दें और ढक्कन ढक दें, अंदर से बंद कर दें, फ्लेम को लो पे कर दें, तो भी उसमें भी हमारे पॉपकॉर्न बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और अगर इस तरीके से कढ़ाई वगैरह है जिसमें आपकी लीड जो है ना फिट बैठती हो, वो चीज़ आप लें, ताकि उसमें बहुत ही अच्छे से बनते हैं। इसलिए मैंने पहले जो टोप लिया था, पैन लिया था मतलब, उसमें हमारा ढक्कन फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में। अब आप देख सकते हैं इतने अच्छे से हमारे पॉपकॉर्न चटक रहे हैं, इसमें फूल रहे हैं। अब ये हमारे जब तक पॉपकॉर्न बन के रेडी होंगे, पहले आप इसे बना लें, फिर उसके बाद हम इसके लिए कैरेमल बनाएंगे। अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न होते हैं, मैं इसे पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, मैंने उस टाइम पे 3-4 फ्लेवर के पॉपकॉर्न बनाए थे, अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर के बनाए थे, जो कि खाने में थोड़ा सा अलग लगे और डिफरेंट सा लगे। सिंपल सा तो हम डेली बना के खा सकते हैं और कैसा है, थोड़ा सा अलग टेस्ट का लगेगा। और ये जो कैरेमल पॉपकॉर्न था, ये बहुत ही अच्छा लगा था हम लोगों को, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब उसे मैं साइड में कर देती हूँ। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और उसमें शक्कर ऐड करी हूँ मैंने, 2 से 3 चम्मच यानी 2.5 चम्मच मैंने शक्कर ली थी मतलब। अब थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के बराबर पानी इसमें डाल देंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसे हम कैरेमलाइज कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे, थोड़ा सा टाइम लगता है पर ये हो जाती है। अब देख सकते हैं शक्कर हमारी एकदम मेल्ट हो गई है। अब ये धीरे धीरे से अपना कलर चेंज होएगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हमारे ये कैरेमलाइज हो जाएगी शक्कर पूरी। ये हमारा कैरेमल बन के रेडी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें खाली। पॉपकॉर्न तो हमारे फटाफट बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम ये कैरेमल बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे, इस तरीके से चलाते जाएंगे। ये देख सकते हैं उसका एकदम अच्छा सा कलर एकदम चेंज हो गया है। और थोड़ी देर और मैं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इसे कर लेंगे तो कैसा, थोड़ा सा खाने में मुँह में कड़वा लगता है। ज़्यादा कैरेमलाइज करने से मुँह में कड़वापन आ जाता है, इसे खाने में ऐसा लगता है थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना ही चाहिए हमें, बस इतना काफ़ी, इतना कलर भी इसका अच्छा है। अब हमारे जो पॉपकॉर्न बन के रेडी है, मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे अब, और लो फ्लेम पे रखते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये गरम गरम अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और अगर एक बार ठंडा हो जाता है तो फिर इसे आप मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे। और पैन भी अब, हाँ, फ्राई पैन भी हमारा कैसा गरम है अभी, तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे, आपको लगे तो आप 2 स्पून ले लें और दोनों स्पून की मदद से ऐसे मिक्स कर लें, गरम गरम अच्छे से मिक्स कर लेंगे,
तो ये सब जितना भी पॉपकॉर्न हमारा है सब अच्छे से कैरेमल में अच्छा चिपक जाएगा, एकदम अच्छे से कोट हो जाएगा पूरा। अब इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते होंगे उसका कलर भी अच्छा एकदम प्यारा सा लग रहा है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, थोड़ा ठंडा हो जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो एकदम कड़क सा हो जाता है पूरा, किसी कैरेमल है इसमें तो जो कैरेमल के साथ अगर ये चीज़ अगर आप कोई सी भी चीज़ बनाते हैं तो कैसा ठंडा होने के बाद एकदम कड़क हो जाती है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कैरेमल पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गया है। आप लोग आसानी के साथ अपने घर में बनाएं और उसका इंजॉय करें चाय के साथ, बारिश के टाइम पे चाय और पॉपकॉर्न का मज़ा लें। आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद फिर ये आसानी के साथ एकदम अलग अलग हो जाता है, आप उसे अलग अलग तोड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कुकुद रुमा खान को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन है उसे ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।